हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक टू स्पाइक रिएक्शन। टुडे आई एम गोइंग टू लिसन फॉर माय पीपल बाय बेला फ्रॉम द होम एल्बम। सो लेट्स गो, देखते भाई कैसा ट्रैक है, क्या कैसा होता है। एंड स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, जितने भी बेला भैया के फैन हो, हिप हॉप के फैन हो, देसी हिप हॉप के फैन हो, इस चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद डिसाइड करना कि लाइक वाला बटन दबाना है, डिसलाइक वाला बटन दबाना है। एंड लेट्स गो, और कुछ भी गलती हो जाए तो भाई कॉमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर लेना, और इसको। एंड हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी भाई, होम एल्बम एंड भाई फील है कि जो भी ट्रैक्स है भाई, एक एक करके सीक्वेंस वाइज आ रहे हैं भाई, थोड़े थोड़े टाइम में, तो भाई सही है यार, सारे गानों को मतलब कि बराबर टाइम मिल पा रहा है। एंड मेरे को भाई अच्छा लग रहा है, मतलब कि एक एक करके ड्रॉप कर रहे। तो तुम्हें क्या कैसा है भाई, मतलब कि तुम्हें एक साथ चाहिए था कि एक ऐसी, तो भाई प्लीज़ मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एंड लेट्स गो, देखते क्या कैसा होता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, सारे ट्रैक्स को कवर कर रहा हूँ, वैसे सब्सक्राइब करते ही नहीं यार बेल भैया के पैन। आई टाइट स्टोन For my people, ये म्यूजिक अब सुकून, ये म्यूजिक में जुनून, हम सब में कहीं ना कहीं छिपी खूबियां जरूर, हम हो गए मशहूर जब से चुन लिया फितूर, भागना छोड़ मत, नजरें ऊपर रखना सीख, दस को बम्प करा वाइब, खुद ले लेगी स्ट्रीट्स, उम्र उन पे लागू नहीं होती जो देखें ड्रीम्स, अपने सपनों से मैं करता हूँ अब पूरी नीड्स, छोटे कुछ तो सीख मेरे भाई। जो लोग बोलते हैं भाई ड्रीम, मतलब कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ये सब करने की, ये सब करने की, तो भाई उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। जब भी मतलब कि छोटी उम्र में भी बोल सकते हैं, एंड बड़ी उम्र में मतलब कि ज़्यादा हो जाए तो भी भाई सपने भाई कभी नहीं छूटते, सपने भाई ड्रीम्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, गोल्स भाई हमेशा अचीव कर सकते हैं, अगर तुम्हें भाई फुल डेडिकेशन है तो भाई पक्का हो सकता है। मैं ऐसा भी प्रूफ के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन भाई मैंने भी सुना तो मैं भी बोल सकता हूँ। छोटे कुछ तो सीख मेरे लिबास में, दो शख्स छिपे हैं, हमें कला और घमंड दोनों संग मिले हैं। मुझमें दो शख्स छिपे, एक तो भाई क्या था, एक तो कलाकार एंड दूसरा भाई घमंड मिले भाई। कला और घमंड दोनों संग मिले हैं, मेरा कर्मा मुझसे बातें करना चाहे आईना, कहे तेरे अंदर लाखों गुनहगार छिपे हैं, इनके फीके चेहरे सारी चीजें बयां करें, मैं दुआ करूं मेरे हिस्से में बस वफा रहे, ये बोले इमेज मेरी पूरी जैसे पाबलो, मैं कहना हाँ जी जो उखाड़ना उखाड़ना, तुम्हें केड़िया में मारू नहीं, स्टूडियो में गाने लिखूं, क्या हो रहा है दुनिया में ये लौड़ा जानू नहीं, I don't care about what is happening in the world, बस मैं अपने म्यूजिक पे फोकस कर रहा हूँ भाई। ये यार अपने जो भी तुम्हारे गोल्स है भाई, उसमें तुम्हारे जो भी ड्रीम्स है भाई, उस पर भाई फोकस करो, बाकी जाने दो जो होता है। भाई बॉडम भाई, बेला भैया का मेलेडी देने में भाई कोई भाई कोई मतलब कि कोई कंपटीटर नहीं है भाई। एंड फील हाई भाई, याद फील हाई था कौन सा था भाई, गानों को याद नहीं आ रहा भाई, लेकिन फील हाई का एल्बम था, मतलब फील हाई एल्बम का एक ट्रैक था जो भाई एकदम कमर्शियल टाइप था भाई, उसकी भाई मेरे को याद आ रही यहाँ पे, मुश्किलों को टालू नहीं, उसका भी क्या था, वक्त सबका बदलता है, हम वक्त बदल ते हैं। ओ भाई अब शीशे नीचे कॉपी अंदर खुले ऑटोग्राफ, खुला पहला बाहर आता फोटोग्राफ, देखे पहला कड़क रखता अपना मोनोग्राफ, शाइन करे लगता चलता फिरता होलोग्राफ, ये रैपर्स पेंगुइन, इनमें गोट कोई नहीं, इनकी नॉलेज इतनी करप्ट, ये रैपर पेंगुइन गोट कोई नहीं है, चलता फिरता होलोग्राम, ये रैपर्स पेंगुइन, इनमें गोट कोई नहीं, इनकी पेंगुइन एंड गोट कोई नहीं, गोट तो समझ गया भाई, गोट कोई नहीं है, पेंगुइन क्या बोला जाए, पेंगुइन कोई नहीं, पेंगुइन तो भाई वही नहीं भाई,
अच्छा ये हो सकता है कि भाई गोट भाई भाग सकता है एंड भाई धीरे धीरे करके वो आराम से चलने का, वो उसके पास चार पैर हैं एंड पेंगुइन भाई उसके तो एकदम छोटे छोटे पैर है, तो ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे कि भाई बॉल वगैरह तो उस टाइम में भागता है। तो भाई ये मतलब कि भाई इन लोग भाई ज़्यादा नहीं वहीं पर धीरे 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 आएंगे, हम भाई गोट हैं एंड भाई दौड़ेंगे आई थिंक मेरे हिसाब से, बाकी भाई नहीं समझा मैं। भाई ये भाई ये मैंने भाई एक क्या दे अब बोल सकते हो भाई एंड ये शायद तक नेपॉप अगर तुम लोग सुनते हो तो भाई ठीक है। बाकी एक भाई एक क्या दे 5:55 ना करके 5:55 उनका ऐसे ही सर्च करके तो आएंगे एंड उनका रिएक्शन मैंने अभी भाई वो करके रिएक्ट करके रखा है एंड अपलोड करने का सोच भी रहा हूँ। तो भाई देखते कब अपलोड करता हूँ, 2-4 दिन में थोड़ा एडिट वगैरह करके अपलोड करने वाला हूँ। तो भाई वो वाला चेक करना है, उसमें मैं बोल रहा था भाई सोच रहा था यार कौन है भाई जिससे मैं कंपेयर कर सकूँ एंड भाई आई फाउंड भाई वो बेला भी है। तो भाई यार उनका भी मतलब कि उन्होंने भी कौन से गाने में ऐसे ही बोला था कि मतलब कि नशे में भाई जो लिख दो भाई बहुत ही प्यार लगता है। भाई उनका गाना सुना ना यार भाई कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन भाई जो मेलेडी है भाई दैट वाज सो अमेजिंग माय। भाई यार चप्पलों से भाई स्टेज में तोड़े थे। कौन बहुत देखे कपड़े साफ कैसे वही सबसे पहले हजारों आंखों के हजारों काम देख बुलाने के लिए मैं पीता रहा नजरे मिला पाना हमसे मुश्किल पड़ेगा जब पहला पहला आदमी जोड़ने लगेगा जब पहला हर एक जान को इंस्पायर करेगा जब ये लड़का इनमें अपने जैसी फायर भरेगा। भाई भाई भर चुके भाई बहुत सारे लोग कि आप इंस्पिरेशन हो भाई, वो दिन दूर नहीं जब भाई मैं भाई हर ट्रैक में बोलता हूँ लेकिन भाई ये फैक्ट है भाई बेला भैया एंड स्टैन भाई किल करने वाले आने वाले फ्यूचर में भाई, क्योंकि उसको भाई कई खतरनाक साउंड दे रहे हैं एंड भाई अपने को इसी टाइप का म्यूजिक चाहिए। मतलब कि भाई अपने को भाई वो भी चाहिए हर चीज़ टाइप चाहिए लेकिन अपने को भाई न्यूज़ चीज़ में भाई ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। मैं अपने पर्सनली बोल रहा हूँ भाई मेरे को अगर तुम देखो भाई हर टाइप का मैं कवर करता हूँ क्योंकि भाई एक चीज़ का भाई ज़्यादातर देख देख के ना बोर मार देता है मेरे को एंड मेरा होम फीड वगैरह भी देखा तो भाई तुम लोग पागल वगैरह हो जाओगे यूट्यूब का एंड बाकी भी मतलब कि यार हर टाइप का म्यूज़िक जॉनरा मतलब कि अगर एक ही टाइप का अगर बेला भी नहीं होता तो भाई ज़्यादा ज्ञान नहीं बुक ना चुपचाप सुनता हूँ बाद में बोलता हूँ जो भी। जब पहला हर एक जान को इंस्पायर करेगा जब ये लड़का इनमें अपने जैसी फायर भरेगा सोना छोड़ अब मैं सोना सिर्फ पहनता हूँ ब्रो मैं बस लॉयल रहता हूँ कला से और फैलता हूँ ब्रो कुत्ते भागे जब जंगल में चीता टहलता है ब्रो गेम सारा बुद्धि और ईमान का है ब्रो मेरे लोगों को मैं जैसा भी हूँ ठीक लगता हूँ क्योंकि अपने जाने वालों को मैं हील करता हूँ मुझसे पहले। ये तो उनकी जो गैंग वाला था क्या बोलते हैं क्रू था वहाँ का ये उनमें गाना मतलब कि हसल के बाद वाला गाने का ये शूट में मतलब हसल के बाद ये गाना आया था मुझे जहाँ तक याद है तो एंड ये भाई उस गैंग भाई मेरे को नाम नहीं याद है उसका ये आखिरी गाना था वहाँ से बेला भैया मुझसे पहले भिड़ने वाली ऐसी टीम रखता हूँ हर दिन खुद से कंपटीशन खुद को बीट करता हूँ सहन में हर दिन एक आवाज कहती तेरे अंदर के इंसान को पहचान मैं भी उसकी सुनू तो एक खाई और एक कुआं दिखता है पहला गिर जाए इसमें गिर के उठने वाला टिकता है चले मेरे मन में जो चले गए उन्हें देता फक नहीं पर यादें मेरी आंखें करे नम ये बेला खुश नहीं है खुद से पर खुशी मेरे आसपास रहती नहीं है कम मुझे छोड़ो मेरे हाल पे मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ मैं डीओपी ओके होम एंड भाई इस होम एल्बम का एंड विजन भाई एक ही साइड तक था लेकिन भाई पूरा भाई इतना था भाई जितने भी एडिट वगैरह किया था साइड तक पहला भी हो सकते मैं डिस्क्रिप्शन नीचे कहूँ बाकी तुम लोग चेक करो भाई मेरा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे सारे क्रेडिट मेंशन होंगे भाई मतलब इतना था कि भाई ऑडियंस को भाई ग्रैब कर सकती एंड ऊपर से जो वोकल्स थे भाई वो तो बहुत ही खतरनाक वाले थे एडलिब्स वगैरह में भाई हर बार यही क्यों भाई हर चीज़ भाई इतना ही अब क्या ही बोल सकते भाई हर एकदम कि हर बार तोड़ते हैं एंड हर हफ्ते भाई हर दूसरे चौथे दिन बेला भैया के गाने आ ही जाते तो बहुत सही रहता है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रिएक्शन। तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक वाला बटन दबा देना नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक वाला बटन दबा देना बाकी भाई इन तीनों में से किसी एक में क्लिक करो जाओ देखो अच्छा लगता सपोर्ट दिखा देना नहीं अच्छा लगता भाई तब भी सपोर्ट कर देना एंड विस्पोर्ट करते भाई डिसलाइक कर दबा जब दो डिसलाइक करते तो भाई हो जाते तो
ठीक है, सो पीस आउट, मिलते किसी और ट्रैक सेशन में।